जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जियो पोस्ट लाइट ऐप की आईडी बनाकर आप कैसे पैसा अर्न कर सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में छोटा से छोटा चीज को भी हमने कवर किया है दोस्तों, आपको बताने के लिए पूरा डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों जियो पोस्ट लाइट ऐप के बारे में। तो वीडियो में आज तक बने रहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं फोन स्क्रीन पे। दोस्तों मैंने अपना प्ले स्टोर ओपन किया दोस्तों। यहाँ पे ओपन करने के बाद मैं लिखता हूँ दोस्तों आपको जियो पोस्ट लाइट, लिखकर यहाँ पे सर्च कर देना है दोस्तों। देखिए सर्च होने के बाद मैंने इसको डाउनलोड कर लिया दोस्तों। तो आपको सिर्फ ओपन कर लेना, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देने का प्रयास करूँगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जैसे ही ओपन होगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं तो इसे रिचार्ज करता हूँ दोस्तों, देखिए मेरे पास को आपको दिखाई देगा जैसे थोड़ा डाटा कम चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर मैंने इतना रिचार्ज किया और कितना कब पैसा ऐड किया था, कब किसका रिचार्ज किया, यहाँ पर आपको डाटा देखने को मिला दोस्तों। ठीक है, मैं आपको शुरू से ऐड करके दिखाता हूँ दोस्तों कैसे इसका जैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, इसका आईडी कैसे लेते हैं, चलिए आपको दिखाता हूँ। आप जैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों, ओपन कीजिएगा तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर पर क्लिक नहीं करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे क्रिएट एंड अकाउंट पर आपको क्लिक एक बार कर देना है दोस्तों। ऐसे बात की जाएगा तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालिए, यहाँ पे जिस नंबर से आप बनाना चाहते हो जियो का नंबर होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे आप अपना नंबर डालिए दोस्तों, नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको चूज योर पार्टनर्स टाइप पे क्लिक करना है। आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों रिचार्ज पार्टनर यहाँ पे आपका, और यहाँ से ऐसे स्क्रॉल किया एक्टिवेशन पार्टनर दोस्तों, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें दोस्तों हम लोग को सिर्फ यहाँ पे रिचार्ज करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट रिचार्ज पार्टनर पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, उस नंबर पे आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। ओटीपी मेरा फिल हो गया दोस्तों, ओटीपी जैसे ही चला जाएगा दोस्तों उसके बाद अलाउ का आपका ऑप्शन आएगा लोकेशन देने के लिए दोस्तों। आप यहां पे देख सकते हैं वर्क लोकेशन, जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों आपको यहां से लोकेशन ऑन करने के लिए ओके पे क्लिक करना होगा दोस्तों। उसके बाद जैसे आप अपने क्षेत्र का, जैसे आप अपने गाँव का नाम डालिएगा दोस्तों, जैसे मैं अरवल बिहार इंडिया डाल देता हूँ दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पर अपने से वहाँ पर चला जाएगा, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए आप मेरा रेफरल अंग डाल सकते हैं जो, उसके बाद देखिए दोस्तों आपको ये दोनों पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ से अपना अप्लाई कर देता हूँ दोस्तों, जो मेरा रेफरल कोड होगा दोस्तों आप यहाँ पे प्लीज डाल दें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों, सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से प्रोसीड पे आप क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से देखिए आपका डन हो गया सब सारा चीज़, जियो पोस्ट लाइट में आप सक्सेस हो गए दोस्तों। डन पे यहाँ पे क्लिक कर देना, सारा डिटेल बताने वाला हूँ दोस्तों। देखिए फिर से अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देना है दोस्तों, आपको यहाँ से अपना नंबर डालना होगा दोस्तों। यहाँ पे जैसे ही आप डाल देते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना दोस्तों। यहाँ से मेरा ओटीपी सबमिट हो गया दोस्तों, मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। यहाँ से दोस्तों आपको एम पिन बनाना होगा, जैसे कहने का मतलब है दोस्तों, अब जैसे ही किसी का रिचार्ज कीजिएगा तो वहाँ पर आपको इस पिन को डालना पड़ेगा, तभी आप रिचार्ज कर सकते हैं दोस्तों। ये एक अच्छा चीज़ दिया जाता है दोस्तों, यहाँ से क्लिक कर देना है, कुछ भी आप बना सकते हैं अपना पिन। फिर यहाँ पर कन्फर्मेशन के लिए डालना होगा दोस्तों, सबमिट पिन पे आपको क्लिक कर देना होगा दोस्तों। आप यहां से आपका बन गया दोस्तों। देखिए अब आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली आप पैसा इसमें कैसे ऐड करते हो, ओके यहां पे लोड मनी पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। यहाँ देखिए फर्स्ट बार आप 1000 रुपया से कम नहीं ऐड कर सकते दोस्तों, जैसे आप 1000 रुपया ऐड कीजिएगा 1040 रुपया आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा दोस्तों। आप सेकंड बार एक बार 1000 डाल दिया, उसके बाद दोस्तों 200 रुपया भी डाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ जैसे आप ऐड पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, फिर क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा सर्च लगा दोस्तों, उसके बाद आपका वहाँ पे फोन पे गूगल पे जो आपके पास है, जैसे मैं यहाँ से फोन पे अपना क्लिक कर दूंगा दोस्तों। उसके बाद फोन पे का मैं पासवर्ड डालूंगा, 1000 रुपया मेरा यहाँ पे ऐड हो जाएगा दोस्तों। ओके, मेरा एक चल रहा है दोस्तों, इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ। ओके सारा दोस्तों, मैं अपने दूसरे जो मेरा ओरिजिनल है दोस्तों, जिससे मैं रिचार्ज करता हूँ सारे लोगों का, और अपना करता हूँ उस पर चलता सारा रिचार्ज करने के बता दोस्तों। ठीक है, तो मेरे रिचार्ज पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों। मैं उस पर इसलिए पैसा ऐड नहीं किया दोस्तों, क्योंकि मेरा पहले से इस पर पैसा ऐड है दोस्तों। देखिए जैसे मैं यहाँ से अपना नंबर डालता हूँ, उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा दोस्तों। जैसे आप क्लिक कीजिएगा प्रोसीड पर दोस्तों, सारा चीज़ बताने वाला दोस्तों, थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से प्लान चुनने का मौका मिलेगा, जैसे किस, जैसे कितना का आप रिचार्ज करना चाहते हैं, ऐसे आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं 1.5 GB का, 2 GB का, 1 GB का। आप यहां से डाटा का प्लान, सिर्फ 4G डाटा डालना चाहते हैं 15 रुपया वाला, 25 रुपया वाला, आप यहां से क्लिक कीजिएगा दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों, मैं कोई भी सा प्लान यहां पे चूज कर लेता हूं, जैसे देखिए 1.5 GB वाला 239 बहुत पॉपुलर प्लान है दोस्तों, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपको क्या, देखिए जैसे ही आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों प्लान पे, देखिए 239 का नंबर फिर से मिला लीजिएगा। उसके बाद जो फर्स्ट में आपने एम पिन बनाया दोस्तों, उसको जैसे ही आप यहाँ पे डालिएगा तो सेट पे क्लिक कीजिएगा, आपका रिचार्ज डन हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए अब दूसरा सेटिंग आपको बताते हैं। चार्ज हो गया, लोड मनी हो गया दोस्तों, पासबुक पे क्लिक करते देखिए। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ सारा चीज। देखिए दोस्तों, मैंने 1 पे 15 रुपया रिचार्ज किया दोस्तों, 62 रुपया रिचार्ज किया दोस्तों का किया, 1000 रुपया दोस्तों मैंने ऐड किया इसमें। ठीक है, 40 रुपया किया दोस्तों, 40 25। देखिए बहुत सारे रिचार्ज दोस्तों, मैं आपको दिखाऊं, आप यहाँ से सारा चीज देख सकते हैं दोस्तों। बाद में आपको चलिए सेटिंग बताऊँ दोस्तों, यहाँ से इस पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों, यहाँ से आप के नाम यहाँ कम्युनिटी बिल्डअप कर सकते हैं दोस्तों। मतलब ये जिसका भी आप रिचार्ज करें दोस्तों, उसको जैसे यहाँ से नंबर में कंफर्मेशन वहाँ से आप दे दीजिएगा दोस्तों। ओके, जैसे आप कंफर्मेशन दीजिएगा ओके दोस्तों, तो यहाँ से देखिए मेरा, अब यहाँ पे मेरा बताया दोस्तों कितना लोगों का रिचार्ज, मतलब जिसका मैंने रिचार्ज किया दोस्तों, यहाँ पर मेरा दिखाया गया मेरा रिचार्ज खत्म है, ज्ञान कुमार का रिचार्ज 7 दिन में खत्म होने वाला है। यहाँ से मैं उनको कॉल करके या फिर मैसेज कर सकता हूँ, आपका रिचार्ज सर कितना दिन में खत्म होने वाला है, आप हो सके तो रिचार्ज करवा। आपको इस पे क्लिक करना है दोस्तों, हिसाब किताब, कहने का मतलब देखिए
किस किस ने आपको पेमेंट किया दोस्तों, किस किस ने पेमेंट आपको नहीं किया, यहाँ से आप पेमेंट पेंडिंग में पता लगा सकते हैं दोस्तों। वो कहाँ से होता है दोस्तों, जैसे आप रिचार्ज डन कीजिएगा उसके बाद यस और नो का पेमेंट, जैसे आपको कोई दे दिया, जैसे आप जिसका रिचार्ज किए दोस्तों वो आपको पैसा दे दिया, तो वहाँ पे पेमेंट करते समय यस पे क्लिक कीजिएगा और नहीं पेमेंट आपको किया है तो नो पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका सारा चीज़ दिखाई दे देगा दोस्तों। उसके बाद चलिए सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देते, तो वो ज़्यादा चीज़ नहीं है, वो आप ऐसे ही समझ जाइएगा। देखिए माय अर्निंग, माय अर्निंग क्या होता है दोस्तों, आपने कितना रुपया कमाया, जैसे 1000 पे 40 रुपया आपको मिलता है दोस्तों। देखिए पहले 41 मिलता था, 0.66 पैसा अब कम मिलता है, 40 रुपया ही मिलता है दोस्तों। ये ऐसे ही, इसमें कुछ नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से पासबुक, जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया कि पासबुक में मेरे, जैसे जिसका आप रिचार्ज करेंगे उसका भी दिखाएगा और पैसा ऐड करेंगे उसका भी दिखाता है दोस्तों। ये दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट सिम, इसको आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको रिचार्ज करना। तो यहाँ पे प्रोफाइल इन्फो है दोस्तों, यहाँ पे प्रोफाइल, जैसे जिसका सिम रहेगा उसका नाम लिखेगा, आप उसका मोबाइल नंबर लिखेगा, PRM ID लिखेगा, रिचार्ज पार्टनर आपका है तो रिचार्ज पार्टनर टाइप में लिखेगा दोस्तों, और कुछ नहीं है। जियो फाइबर, जियो ये सब छोड़ दीजिए। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए दोस्तों, यहाँ से एम पिन आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉरगेट एम पिन पर क्लिक करके आप पिन एम पिन को चेंज कर सकते हैं, जो रिचार्ज करते समय काम देता है। रेफर फ्रेंड, यानी किसी दोस्त के पास आप रेफर भी कर सकते हैं दोस्तों। ऐप की ऐप इन्फो ऐसे ही दोस्तों आपके लिए, यानी लॉग आउट करने के लिए, आप लॉग आउट करना चाहते हैं तो इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं। हाँ, सेकंड दूसरी बात दोस्तों, कि आप अगर इस सिम को पोर्ट नहीं करवा, पोर्ट करवाते हैं दोस्तों तो इसका सारा पैसा ख़त्म कर ले उसके बाद पोर्ट कर, नहीं तो जैसे आप पोर्ट कीजिएगा दूसरे कंपनी में आपका सारा रुपया यहाँ से ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों हमारे हिसाब से सारा सेटिंग इसका मैंने बता दिया दोस्तों, अगर कोई छूट गया हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कॉमेंट करके जरूर बताए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों।